हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी धर्मेंद्र के फिल्म शोले मूवी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा इस मूवी का सुपरस्टार कौन है, इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, इस मूवी को इंडिया में कब रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाने में कितना बजट लगा था और इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाई कर लिया है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बात कर लेते हैं 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित शोले मूवी के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी का संगीतकार राहुल देवब्रह्म द्वारा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, रमेश सिप्पी, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन जैसे कई सुपरस्टार देखने को नजर आएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी का बनाने में कितना बजट लगा था। तो दोस्तों आपको बता दो इस मूवी को बनाने में 15.50 करोड़ की बजट लगा था और दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ का रहा था। दोस्तों इस मूवी ने कमाई के मामले में उस टाइम काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ा सा कहानी को। दोस्तों इस शोले 1975 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखित इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सिप्पी ने और निर्देशक कार्य उनके पुत्र रमेश सिप्पी ने किया। इसकी कहानी जया अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र नाम दो अपराधियों पर केंद्रित है जिन्हें डाकू गब्बर सिंह अमजद खान से बदला लेने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार अपने गाँव लाता है। जया भादुरी और हेमा मालिनी ने भी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। शोले और भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश फिल्म इंटरेस्ट के 2002 के सर्वश्रेष्ठ 10वीं भारतीय फिल्मों के एक सर्वेक्षण में इसे प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ था। 2005 में 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इसे 50 साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। शोले का फिल्मांकन कर्नाटक राज्य के रामनगर क्षेत्र के चटनी इलाकों में 2.5 साल की अवधि तक चला था। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के निर्देश अनुसार कई हिंसक दृश्य को हटाने के बाद फिल्म को 198 मिनट की लंबाई के साथ 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही बातें करूंगा और दोस्तों आपने ये शोले मूवी देखे हैं या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।